और उद्योग के तहत भारतीय वस्त्र के बारे में काफी विस्तार से जाना था। ये भी हम लोगों ने जाना था कि परंपरागत वस्त्र उद्योग जो पूरे यूरोप के बाजार में छा गया था अंग्रेजी हुकूमत के बाद, वे कैसे कैसे लुप्त हो गया और उसके कारणों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, जिसमें सूती कपड़ा मिलों का उदय भी हम लोगों ने जाना था और अंततः कारीगर का यहाँ पे खत्म होना। लेकिन ये भी हम लोगों ने जाना था कि औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में भी खुद अब एक नए बंदरगाह के रूप में बंबई, मदुरई और दूसरे इलाके में जहाँ वस्त्र मिल लगने लगे, वहां अब कारीगरों को मजदूरी भी मिलना शुरू हो गया था। तो आज हम लोग वस्त्र उद्योग के बाद जो दूसरे उद्योग जो ब्रिटिश रूल के बाद या औपनिवेशीकरण के बाद जिस पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ या उसका मार पड़ा, उसके बारे में हम लोगों को आज जानना है। और जिसमें हम लोग खास कर कह सकते हैं कि लोहा उद्योग भी भारत में अगर हम कह सकते हैं कि बहुत परंपरागत ढंग से चलते आ रहा था, यहाँ के शिल्पकारों के द्वारा तरह तरह का उसमें अपना हुनर भी लगाया था। और जब हम लोहा और स्टील की बात करें तो आइए जो आज इस टॉपिक पे हम लोगों को डिस्कशन करना है वह है टीपू सुल्तान की तलवार और उड्ज स्टील। और जब हम टीपू सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो टीपू सुल्तान के एक प्रसिद्ध किस्से से हम इस कहानी की शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने व्यापार से साम्राज्य तक में भी टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ चुका था कि टीपू सुल्तान जो है वे अपने शासन के साथ साथ तलवार के लिए भी बहुत फेमस था। यहां तक के भारत के कई प्रोड्यूसर ने टीपू सुल्तान पे उनकी तलवार के नाम से सीरियल भी बनाया था, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। लेकिन आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर टीपू सुल्तान की तलवार क्यों मशहूर थी। तो इसके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि टीपू सुल्तान अन्य शासकों की तरह नहीं बल्कि उससे हट के इनका जो तलवार होता था वो एक उड्ज इस्तेमाल होता था, स्टील इस्तेमाल होता था। ये उड्ज है क्या, तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि असल में क्या है, कि उड्ज की खसूसियत क्या है या इसकी विशेषता क्या है, कि उसमें जो है स्टील में कार्बन की मात्रा जो है वह अत्यधिक रहती है। और ये जो अगर विशेषता हम देखेंगे कि ये पूरे दक्षिण भारत में इस तरह के शिल्पकार या कारीगर इस तरह के उड्ज का निर्माण करते थे। लोहे में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से ये उड्ज पैदा किया जाता था, तब जाके वो एक काफी तेज भी बनता था। यहाँ इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ एक बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आखिर इसकी विशेषता जो हम लोगों ने देखा था और लेकिन इसकी खोज किसने की, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले एक यूरोपीय जिनका नाम था फ्रांसिस बुकाने, उन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान की तलवार में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसका कारण यह है कि ये इसमें इतनी धार होती है कि दुश्मनों के कवच को भी एक ही वार में वे पूरी तरह से तोड़ या खत्म कर देते हैं। अब इस तरह की स्टील के निर्माण में कारीगर किस तरह के चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो हम देखते हैं कि वो जो परगलन का काम करते थे, तो परगलन क्या होता था कि ये हाई वोल्टेज में या हाई ऊंचे तापमान में इसको गर्म करके तैयार किया जाता था। इसी तरह से ये उड्ज जो नाम है वे आप कह सकते हैं दक्षिण भारत में ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, हालांकि ये अंग्रेजी का एक बिगड़ा हुआ नाम है जिसमें आप खुद देख सकते हैं कन्नड़ में उड्ज को हम उरुक्कू कहते हैं, तेलुगु में हुक्कू कहते हैं, तमिल में उरुक्कू कहते हैं, यानी इस तरह से ये पूरे दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध था। लेकिन ये इतना प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत के पूरे इलाके में ये बनाया जाता था, तो आखिर इसका अंत कैसे हुआ, यानी यहां कह सकते हैं कि ये लुप्त कैसे हो गया। इसके कई कारण है, यानी 19वीं सदी के मध्य तक जब भारत में अंग्रेजी शासन आया, तो अंग्रेजी शासन आने के बाद अंग्रेजों ने
इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो भी घरेलू उत्पाद थे या उद्योग थे वे धीरे धीरे खत्म होने लगे। दूसरा कारण यह था कि जब कारीगरों को इस तरह का काम नहीं मिलने लगा तो वे अपने काम को छोड़ के दूसरे काम की तलाश में जाने लगे। तीसरा कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने यहाँ पे वन कानून बनाया था। अब जब वन कानून बनने के बाद वहां से लकड़ियों को आसानी से यहाँ के कारीगर नहीं ला सकते थे, यानी उसमें भारी जो है उसको जुर्माना भी भरना पड़ता था। और जब वन के साथ साथ जो इस ऊंट को परगलन को गलाने में जो एक अहम चीज होता था वो था कोयला, तो कोयले की भी कमी हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इतना पुराना और परंपरागत जो उद्योग हमारा चलते आ रहा था वे अब लुप्त के कगार पर हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांवों की अब इसका धीरे धीरे देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें व्यस्त थे, तो गांवों की जो है वे भट्टियां अब उजड़ने लगी। यानी इसमें जो एक काम होता था कि जो धोकनी का काम करती थी वो महिलाएं शामिल थी और शिल्पकार जो है वो मर्द होते थे, उनके बच्चे भी लगे थे। तो इस तरह से 19वीं सदी के अंत तक अब देखते हैं कि ये हुनर भी खत्म होने लगा। भट्टी भी अब कह सकते हैं कि ठंडी पड़ने लगी और आरक्षित वन का भी इस पर परिणाम हुआ। नतीजा ये हुआ कि अब ये कारीगर जो है वे अपने परंपरागत उद्योग धंधे को छोड़कर दूसरे काम की तलाश में वे निकलने लगे। तो और एक जो अहम कारण ये था कि औद्योगिकरण के बाद अब भारत में लोहा और स्टील ब्रिटेन से आए। तो ब्रिटेन से आने के बाद भी यहाँ पे जो लोहा और जो दूसरे जो स्टील उद्योग थे वे अब मंद पड़ने लगे। लेकिन इसके बाद एक बहुत खुशखबरी ये हुई हम लोगों के लिए कि ठीक 1904 में एक कह सकते हैं कि फारसी या फारस के रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने अब लोह उद्योग के लिए वे लोह अयस्क की तलाश करने लगे। और तलाश करने के बाद हम ये देखेंगे आगे कि कैसे अपने देश में अब नए नए कारखानों की स्थापना होती है और कारखानों की स्थापना के पीछे क्या कारण था और कारखानों के स्थापना होने के बाद यहाँ के जो परंपरागत पुराने जो शिल्पकार थे, जो हुनर दिखाते थे, जो मजदूर थे, उन्हें कैसे यहाँ पे रोजगार मिला, तो आगे की क्लास में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।